वही पार्ट है ना, उसके लास्ट जो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन और बचे हैं, वो उन क्वेश्चन को बढ़ा रही हूँ। ये जो नंबर है ना, वो आप डाल लेना कि उसके बाद कौन सा क्वेश्चन का नंबर है। भोजन के स्रोतों के नाम, अब बताइए पार्ट पूरा खत्म हो गया, सबसे लास्ट के क्वेश्चन आते हैं कि भोजन मतलब कि उसके स्रोत कौन कौन से। हमने पहले ही पढ़े थे कि भोजन मुख्य रूप से हमें दो चीजों से मिलता है, एक तो पादप, पादप यानी पेड़ पौधे, और जंतु जनावर, है ना। तो ये हो गए भोजन दो मुख्य स्रोतों से। यहाँ पे मुख्य लिखना जरूरी, क्योंकि भोजन कहीं से भी मिल सकता है, पर मुख्य दो स्रोतों से प्राप्त होता है, पादप और जंतु से। फिर आता है, अब पादप और जंतु हो गए, तो जंतु से हमें कौन कौन से मुख्य स्रोत, मुख्य भोज्य उत्पाद मिलते हैं। क्या भोज्य उत्पाद, यानी उत्पाद के रूप में हमें जंतु से क्या क्या मिलता है खाने के रूप में। तो दूध मिलता है, या दूध से बनने वाले उत्पाद, जो भी दूध, छाछ, पनीर, जो भी होगा वो दूध से बनने वाले उत्पाद होते हैं। तो दूध मिलता है हमें, और उसके बाद क्या मिलता है, दूध से हम उत्पाद बना लेते हैं। फिर आता है शहद, कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से, है ना, शहद मिलेगा। फिर अंडे, मुर्गियों से अंडे मिलेंगे, और जो जानवर होते हैं उनको लोग मांस के रूप में, अपनी मांस को खाते हैं भोजन के रूप में। तो ये हो गया जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे और मांस मिलता है। फिर आगे आता है पादपों से कौन कौन से मुख्य भोज्य उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से प्राप्त होते हैं, पहला अनाज, यानी गेहूं, मक्का, बाजरा, जो ये सारे अनाज के रूप में आता है। फिर आती है दालें, जो हम चने वाली दालें खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, कोई सी भी उड़द की दाल खाते हैं, वो सब दालें हमें पादपों से मिलती है। फिर आता है सब्जियां, यानी सब्जियां जो हमें पालक और जो सारी हरी सब्जियां हैं, जैसे सब्जियां, वो सब हमें पादप से प्राप्त होती हैं। और फिर आता है फल, जो भी हम फल खाते हैं वो सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि आम, अंगूर, अनार, जो भी है जो। फिर आती है शर्करा, शर्करा किसे कहते हैं, शक्कर, जो हमें कहाँ से मिलती है, गन्ने से। कहाँ से मिलती है, गन्ने से, गुड़, शक्कर जो भी है वो दोनों शर्करा के रूप में आता है। फिर आता है तेल, तेल क्या होता है कि हमें सोयाबीन, मूंगफली, उन तिल, उन सबको घिस पिस के जो भी तेल निकालते हैं, वो तेल भी हमें पादपों से ही मिलेगा। आप बोलोगे मैडम तेल तो हमें पादपों से कहाँ मिलता है, पर जो तेल बनाने वाली चीजें, जैसे कि सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, तिल हो गया, वो सब तो हमें पादपों से मिलता है ना, तो उनसे मिलेगा, तो वो हमें पादपों से मिलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर आता है मसाले, जैसे जीरा जो भी है, धना वगैरह, वो सारे मसाले हमें पादपों से मिलते हैं। फिर लास्ट में आता है स्फूर्ति पेय, यानी कि चाय या कॉफी, जो हमें स्फूर्ति देते हैं, यानी कि हमें नींद से उठाते हैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए। लोग कहते हैं ना, मैं चाय पी लूं, मैं जल्दी से स्फूर्ति ले लूं, तो वो सारी चीजें हमें पादपों से प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा पार्ट पूरा, आपका काम पूरी तरीके से, सही तरीके से, अच्छे से हो जाना चाहिए।